जय दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है दोस्तों आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अवध यूनिवर्सिटी के बीएड के बाद के प्रैक्टिकल से संबंधित, कि प्रैक्टिकल कब होगा, प्रैक्टिकल में आपको क्या करना है, क्या प्रोसेस होता है, कैसे प्रैक्टिकल होता है, इन सारी चीजों को जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर आपका प्रैक्टिकल होगा कब, प्रैक्टिकल के डेट के बारे में। देखिए, यूनिवर्सिटी कभी फिक्स डेट आपको अनाउंस नहीं करती कि इस डेट में इस कॉलेज का प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल दोस्तों कंप्लीट डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे। जैसे यूनिवर्सिटी क्या करती है कि कुछ टीचर्स की एक टीम बनाई जाती है, तीन टीचर या दो टीचर मिला के एक टीम बनाई जाएगी, और ऐसे ही कई टीम बनाई जाती है यूनिवर्सिटी टीचर्स की तरफ से। वो पूरी टीम वन बाय वन करके कभी आपके कॉलेज में, कभी दूसरे कॉलेज में, कभी तीसरे कॉलेज में, इस तरीके से वो विजिट करते हैं और इस तरीके से आपका प्रैक्टिकल होता है। तो दोस्तों एग्जैक्ट डेट कमिट करना तो बिल्कुल मुश्किल है कि एग्जैक्ट डेट कब आपका कॉलेज का नंबर कब आएगा, इससे संबंधित सूचनाएं आपके महाविद्यालय से आपको मैसेज के द्वारा प्राप्त होगी। तो बिल्कुल आप अपने कॉलेज ग्रुप में जुड़े रहे हैं, वहां पे आपको मैसेज मिलेगा कि आपका प्रैक्टिकल कब होगा। और जैसे अभी बच्चों के मैसेज आने शुरू हो गए हैं, बहुत लोगों के मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, अब इसके बाद से प्रैक्टिकल की प्रक्रिया आपकी पूरी की जाएगी, अब आपकी प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगी और बहुत ही मैक्सिमम एक हफ्ते के अंदर पूरे यूनिवर्सिटी के कॉलेज के प्रैक्टिकल हो जाते हैं। तो चलिए, ये बात हो गई डेट की। तो डेट के बारे में आपने क्या जाना, डेट के बारे में ये जाना कि यूनिवर्सिटी की तरफ से अधिकारी कोई फिक्स डेट नहीं होती, आपका कॉलेज आपको इन्फॉर्म करता है कि आपका प्रैक्टिकल कब होगा। अब दूसरी बात, पूरी प्रैक्टिकल की प्रक्रिया कैसी होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि सेकेंड ईयर वाले तो बिल्कुल निश्चित होंगे क्योंकि उन्होंने फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल दे रखा है, उन्हें इस प्रक्रिया के बारे में बखूबी पता है। लेकिन अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो उनके मन में थोड़ी सी इच्छाएं होती है, इच्छुक होते हैं जानने के लिए कि प्रैक्टिकल प्रक्रिया होती कैसे। देखिए, प्रैक्टिकल में तीन चीजें सबसे कंपलसरी है। पहला चीज कि आपको ड्रेस पहन के जाना है, वेरी कॉमन। दूसरा दोस्तों, आपकी फाइल पूरी होनी चाहिए, जो आपका फाइल आपने बनाया है कॉलेज की तरफ से वो पूरा होना चाहिए, और साथ ही साथ दोस्तों चेक होना चाहिए, मतलब आपके कॉलेज ने उसे चेक किया। तीसरी और सबसे खास बात जो फाइल से ही संबंधित है वो है दोस्तों आपका लेसन प्लान। लेसन प्लान की जो कॉपी है मोस्टली एग्जामिनर वही देखते हैं मोस्टली, और वही प्रैक्टिकल फाइल के सबसे ऊपर रखी जाती है। तो जो आपका दो विषय है, टीचिंग पेडागॉजी सब्जेक्ट है, उसके जो दो फाइल है उसके पूरे लेसन प्लान बने होने चाहिए, और उसको आपको अच्छे से बना के अच्छे से साफ सुथरा लिखना है और वो चेक होना चाहिए। अब आप प्रैक्टिकल देते कैसे, फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो जो आपके एग्जामिनर आए होते हैं वो एक क्लासरूम में बैठे रहेंगे, आप अपने सारे फाइल्स को ले जाएंगे, जो चेक होगा रोल नंबर वाइज बुलाया जाएगा, आपके जो तो लेसन प्लान की फाइल है वो सबसे ऊपर रखी जाएगी, आप उनके साथ जाएंगे। कभी कभी एक साथ दो या तीन बच्चों को बुलाया जाता है, कभी कभी नहीं, मोस्टली दो या तीन बच्चों को ही एक साथ बुलाया जाता है, एक एक करके कम बुलाया जाता है। स्टार्टिंग में हो सकता है एक एक करके बुलाएंगे, और बीच और लास्ट में आते हैं तो एक साथ पांच छह बच्चों को बुलाया जाता है। आप सभी बच्चे वहां पे जाएंगे, अपनी पूरी फाइल को या तो साइड में रख देंगे, उस टेबल पे रख देंगे, या फिर सर को दे देंगे। सर मोस्टली या मैडम मोस्टली क्या करती है, आपकी जो सबसे ऊपर की जो फाइल होती है ना लेसन प्लान की, उसको चाहे तो देख लें, चाहे तो उन्हें पता ही है कि क्या सवाल पूछना है। तो एक बार आपकी लेसन प्लान की फाइल देख ली जाती है कि हाँ चलो ठीक है, चेक है, सब चीजें, बात खत्म। लेसन प्लान की फाइल आप जरूर अच्छे से बना लीजिएगा, बाकी कम देखा जाता है मगर देख भी सकते हैं, तो उसमें कोई टेंशन नहीं। लेसन प्लान अगर बाकी सारे फाइल पूरे हैं और चेक है तो फिर आप निश्चिंत हो जाएंगे। अब आपसे दो या तीन कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं आप। सवाल में क्या पूछेंगे, उनकी जो मर्जी, चाहे तो लेसन प्लान में से पूछ लेंगे, लेसन प्लान के प्रकरण कैसे निकालते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक को बताइए, महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताइए, या फिर इसके अलावा भी ज्ञान से आप क्या समझते हैं, शिक्षा से आप क्या समझते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, इस तमाम तरीके के सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो उसमें घबराना नहीं, आपको जो समझ में आए बता दीजिए, नहीं समझ में आता है तो खामोश रहिए, मगर कोशिश करिएगा कुछ ना कुछ बताने। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिकल खत्म होगी और आप क्लासरूम में आ जाएंगे। नंबर दोस्तों, नंबर की चिंता मत करिएगा। अगर मोस्टली जो महाविद्यालय होते हैं ना वो अपने हिसाब से अच्छा ही नंबर देते हैं, प्रैक्टिकल में कभी किसी को नंबर में कमी नहीं की जाती है, तो उसके बारे में निश्चिंत रहिए, आराम से आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल। सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल की सेम प्रक्रिया, बस इसमें एक चीज एक्स्ट्रा होता है, जो प्रैक्टिकल फाइल आपने लेसन प्लान बनाया ना, उसकी एक लेसन प्लान को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा पढ़ाने का, कि क्लासरूम में कैसे पढ़ाएंगे। कई बार एग्जामिनर आपको कह देते हैं कि आप एक लेसन प्लान पढ़ा के दिखाइए, या फिर किसी एक दो से कह देंगे या किसी बच्चे से कह देंगे कि आप पढ़ा दीजिए, आप कोशिश करेगा कि आप पढ़ाएं। अब पढ़ाना कैसे है, आप क्लासरूम में गए, बच्चों को गुड मॉर्निंग विश किया, फिर आप उनसे प्रकरण निकलवाने की कोशिश करेंगे। प्रकरण मैंने एक वीडियो में बताया था कि कैसे क्लासरूम में टीचिंग करनी है प्रैक्टिकल के दिन, आप उनसे प्रकरण निकलवाने की, उससे टॉपिक निकलवाने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपने लेसन प्लान में लिखा है वैसे वैसे आप बच्चों को पढ़ा देंगे। तो जो भी आपका स्किल है, कौशल है, जिस तरीके से आपने प्रैक्टिस करा, आप उनको पढ़ा दीजिएगा, फिर वापस क्लासरूम में आ जाएगा। जब आप पढ़ा रहे होंगे तो पीछे जो एग्जामिनर होंगे वो आपकी कॉपी को जैसे चेक कर देते हैं, वो चेक कर लेते हैं, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो प्रैक्टिकल के दोस्तों बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है, बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना है, मुख्य बातें यही थी कि आपकी फाइल और ये रेडी होनी चाहिए।
वाइवा में जो सवाल पूछे जाएंगे आप उनको जवाब देंगे। तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिकल की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, फिर आप सभी बच्चे एक साथ मिलकर जो भी क्लासरूम वाले हैं एक साथ फोटो खींचेगा, सेल्फी लीजिएगा, वीडियोज बनाइएगा और उसे अपलोड करेगा। एक खास रिक्वेस्ट ये है दोस्तों, अगर आपके प्रैक्टिकल हो जाए या समय मिले या उससे पहले, तो आप एक काम करिएगा, आप अपने कॉलेज की एक अच्छी सी रिकॉर्डिंग करके आप हमें भेज दीजिएगा। रिकॉर्डिंग कैसे करना है, स्टार्टिंग में आप अपने कॉलेज को रखिएगा, कॉलेज का मेन गेट रहेगा, उसके बाद इस तरीके से जब बच्चे एक साथ खड़े हों तो उनकी रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, या फिर वन बाई वन हेलो हाई करके मतलब सारे बच्चों के पास जा जाके ऐसे हाई करके रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, या फिर अगर उनसे कुछ कहलवाना चाहते हैं, अगर वो मुझे कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं, तो वो रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा वन बाई वन करके, ऑलमोस्ट 5, 6 या 10 मिनट तक की वीडियो, चाहे तो टुकड़ों में भी कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं कि एक साथ करने की जरूरत नहीं है। तो आप छोटे छोटे वीडियोस भी बना के उन सारे वीडियोस को हमें भेज दीजिएगा। कहाँ भेजेंगे आप, मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भेज दीजिएगा या व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिएगा, और जिन बच्चों को मेरे पास पर्सनल मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो हमें वहाँ भेज सकते हैं, चाहे तो आप हमें इंस्टाग्राम पे यहाँ पे मैसेज करिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप हमें वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। मैं उन वीडियोस को क्या करूंगा, एक अच्छे से पूरे वीडियोस को मर्ज करके जोड़ के एक अच्छा वीडियो बना के इसी चैनल पे आपके कॉलेज के नाम से अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप ऐसे बना के भेजते हैं, ताकि हम भी वन बाई वन बहुत सारे कॉलेज को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आप जब 5 साल बाद 6 साल बाद जब भी आप देखेंगे तो आपको आपकी बीएड की यादें यहाँ पे मिलेंगी, सभी बच्चे एक साथ रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रुप में जितने भी हो सके, जितना भी संभव हो सके, वीडियो जरूर बनाइएगा एक साथ सभी बच्चों का, और आप हमें भेजिएगा, फिर हम उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, टेंशन नहीं लेना है प्रैक्टिकल। जब आपने एग्जाम जाके सेंटर पे दे दिया तो यहाँ तो प्रैक्टिकल आपके अपने कॉलेज में होता है, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल होगा, बिल्कुल घबराइए मत, आसानी से बहुत ही सुविधा होती है वहाँ प्रैक्टिकल देने की, नंबर काफ़ी अच्छे मिलते हैं, 200 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो लगभग यूँ समझिए 190 से अबव आपको मिलेगा, 94-95 इससे ज़्यादा ही मिल जाता है आपको, उसमें चिंता करने की बात नहीं है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से आपके प्रैक्टिकल के लिए। इस बात को जरूर याद रखिएगा कि आपको वीडियोज हमें भेजना है, भेजेंगे ना। चलिए कमेंट में बता दीजिए कौन कौन लोग रेडी हैं अपने कॉलेज के प्रैक्टिकल के वीडियोज भेजने के लिए, सभी बच्चों का, अगर गर्ल्स हो तो आपस में गर्ल्स और बॉयज, क्योंकि प्रैक्टिकल के दिन काफ़ी अच्छा, सारे बच्चे एक साथ फ्रेंड जोन की तरह खड़े रहते हैं सब ऐसे लाइन बाय लाइन, तो आप वन बाय वन करके हमें रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, जरूर भेजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, जैसी कोई और खबर आएगी आपको बताया जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके वीडियोज़ का इंतजार करूंगा, कमेंट में आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, नहीं जुड़ा चैनल से सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिकल की थोड़ी तैयारी कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।